नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक गांव ऐसा भी है जहां जाने के बाद आपको विश्वास ही नहीं होगा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। या विकास किस चिड़िया का नाम है, या ऐसा कोई शब्द होता भी है या नहीं। ये वो गांव है जिसे आजादी के बाद से आज तक ना तो शुद्ध पानी मिला है, ना ही बिजली, ना सड़क और ना ही पक्के आवास। हाँ, बारिश में इन ग्रामीणों को मुसीबत का तालाब जरूर नसीब होता है। रिपोर्ट देखिए। घंटों की बारिश में पानी पानी गांव, गंदगी का अंबार, कीचड़ का जमाव, न सड़क बनी, न मिला शौचालय का लाभ। कागजों में आदर्श, असलियत में बदहाल। 21वीं सदी में गोकुला गांव का देखिए हाल। विकास के दावों को आईना दिखाती ये तस्वीरें प्रयागराज प्रतापगढ़ बॉर्डर पर बसे गोकुला गांव की हैं, जो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यूं तो कागजों पर तमाम सरकारी योजनाएं चल रही हैं और ये गांव आदर्श गांव भी घोषित हो चुका है, लेकिन तस्वीरें देखकर तो यही लगता है कि विकास की चिड़िया गांव का रास्ता भूल गई है। 21वीं सदी में भी इस गांव में ना तो पक्की सड़क है और ना ही ODF योजना के तहत शौचालय। इतना ही नहीं, इस गांव को डुबाने के लिए किसी नदी के रौद्र रूप दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां चंद घंटों की बारिश में ही बाढ़ के हालात बन जाते हैं। दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नजर आता है और इसका खामियाजा भुगतते हैं स्कूली छात्र, क्योंकि बारिश के बाद प्राथमिक स्कूल पानी से घिर जाता है और स्कूल में पढ़ाई ठप हो जाती है। इन गांव वालों की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। यहां बिजली तो है, लेकिन बिजली के तार बांस के खंबे से लटकते हैं, जिससे ग्रामीणों को हर समय जान का खतरा बना रहता है। वहीं बारिश और तेज हवाओं के कारण कई बार ये तार टूट कर गिर चुके हैं और इनकी चपेट में आकर लोग झुलस भी चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग की आंखें तमाम शिकायतों के बाद भी खुलने का नाम नहीं लेती। यहाँ पे दिक्कत तो ये है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के मिशन में शौचालय एक भी नहीं है। एक हमारे ग्राम सभा में एक भी शौचालय आपको सरकार के नाम का कोई भी शौचालय नहीं मिलेगा, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का। यहाँ पे शौचालय लोग ऐसे बनवाए की मतलब अपने काम के लिए पन्नी तान के बनाए हुए हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। और रोड यहाँ पर ऐसी है कि कभी मान लीजिए कोई भी घटित दुर्घटना हो जाए या कोई बीमार हो जाए, पूर्ण मतलब कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो, किसी को जहरीले सांप ने डस लिया, या किसी का कोई विवाद में कोई मैटर हो, यहाँ पे अगर प्रशासन को भी पहुंचना होगा इस हमारे ग्राम सभा में तो कम से कम 1 से 2 घंटे लगेंगे और एम्बुलेंस तो कभी नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि रोड है ही नहीं है। प्रशासन जो भी आएगा वो पैदल भी चल के आ सकते हैं, और अगर कोई बीमार हो जाता तो उसको लाद करके कंधे से, चाहे बरसात हो चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो, उसको कंधे पर लाद कर ही वहाँ पर रोड मेन लिंक रोड तक ले जाना पड़ेगा, जब तक जाते जाते हम लोग के चाहे वो दम तोड़ दे। देखिए बांस के सहारे जो यहाँ पे लाइट का तार गया हुआ है, ये तो हमारे लिए सबसे खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि बरसात के मौसम में कहीं तार अगर कटा हुआ है तो पूरे पूरे बांस में पावर उतरने का डर रहता है। लोगों ने लेखपाल को कई बार आवेदन दिया, SDM को भी आवेदन दिया, लेकिन यहाँ के कुछ दबंग व्यक्ति और लेखपाल की मिलीभगत से जमीन की नाप भी नहीं हो पा रही, जिससे यहाँ के लोगों के लिए कच्चे या पक्के रास्ते बनाए जा सके। मौजूदा समय में इस गांव की ये हालत है कि अगर यहाँ का कोई व्यक्ति या महिला गंभीर रूप से बीमार हो जाए या इस गांव में कहीं आग लग जाए तो ना तो यहाँ एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही यहाँ प्रशासन पहुँच सकता है। बदलते भारत की आखिर क्या तस्वीर है, इसके दावे तो बहुत होते हैं लेकिन असल में सच्चाई क्या है, ये हमने आपको दिखाई। हम मौजूद हैं इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के बॉर्डर में बसे एक गांव में जिसका नाम है गोकुला गांव है, और अगर गांव की बात करें तो आबादी तकरीबन 1600 से यहाँ से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन आज भी यहाँ कई अगर हम बात करें सुविधाओं की तो काफी कम यहाँ पर सुविधाएं हैं, जो हमने आपको तस्वीरों दिखाई है। आप सबसे पहले एक तस्वीर ये देखिए कि इस गांव में हालांकि बिजली तो है, यहाँ के लोग बताए कि बिजली आती है, लेकिन समय नहीं है कि आखिर कब आए और कब चले जाए। और आप देखिए कि बांस के सहारे जो तार हैं वो घरों तक गए हैं, जो भी हादसे का एक कारण हो सकते हैं। हालांकि कई
यहाँ पर समस्याएं हैं या कहें कि दिक्कत है, एक यहाँ देखिए एक सड़क है, हालांकि कहा जाता है कि सड़कें बहुत अच्छी हैं गांव की, लेकिन आप देख सकते हैं कई सालों से ये जो सड़क है ये नहीं बनी है। आप बगल की नालियां भी देख सकते हैं कि किस तरीके से नालियां यहाँ बजबजा रही हैं, और आप घर भी देख सकते हैं। तमाम दावे ये होते हैं कि ग्रामीणों को आवास दिया जाएगा, और ये भी दावे किए गए थे कि शौचालय भी बनवाए जाएंगे। हालांकि कई गांवों में शौचालय तो बनाए गए, लेकिन इस गांव में एक भी, हम बता दें कि एक भी शौचालय सरकार के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, जो कि एक तरीके से आपको सुन करके आप हैरान होंगे। क्योंकि सरकार की बात करें तो कई साल हो चुके हैं इस दावे को बताने के लिए कि गांव में शौचालय बनाए जाएंगे। सुरक्षा की भी बात की गई कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए सड़क भी उतनी नहीं है कि सुरक्षा कर्मी यहाँ पर आ सके। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो एम्बुलेंस भी यहाँ आना शायद मुश्किल ही हो। ऐसे में इतने तमाम जो दावे किए जाते हैं उसकी सच्चाई आप देख सकते हैं। चंद घंटों की बारिश में ही जो यहाँ सरकारी जो विद्यालय है वो एक तरीके से डूब जाता है और बच्चे बामुश्किल ही स्कूल जा पाते हैं। सरकार की तरफ से इस गांव में कोई भी मदद नहीं मिली है। यहीं कई स्थानीय ग्रामीण या यहीं कई लोग खड़ंजा बिछवाए हैं। यहीं पर जो विद्यालय के जो टीचर्स हैं उन्होंने रास्ता बनाया है कि शिक्षा जो है वो खलन ना आ सके यहाँ के बच्चों पर। तो ऐसे में एक बदलते भारत की क्या ये असल सच्चाई है ये आप देख सकते हैं। अब प्रशासन को और सरकार को जागना होगा कि आखिर अगर ऐसी ही चीजें यहाँ पर रही तो आप समझ सकते हैं कि आखिर देश कितनी तरक्की करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर बजा।